वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है। है नहीं थी कल तक, अब तेरी हद इस जगह तक ही है, और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं, कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोजी ना मिले, बदन पर कपड़े ना हो, सर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। आए! आए! तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है फैसला कर ले।